किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपाय में काम आने वाली चीज है, लेकिन अब 21वीं सदी के आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है कि शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर में विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी या समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय में मिनिमल डैमेज के साथ मछुआरों का, किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी, मेरे किसान भाइयों की, मेरे मछुआरे भाई बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं। मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत